तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज का मैराथन है और मैराथन है हमारे पास नम्स का। नम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अच्छे से समझना है, लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से दे सकें। वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन को, तो आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन इज द गैस विच ओबेज द गैस लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारे पास ऐसी गैस जो कि तमाम के तमाम हमारे पास गैस लॉ ओबे करे तमाम टेम्परेचर और प्रेशर्स के ऊपर। इस तरह की गैस को क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये गैस कहलाती है आइडियल गैस। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसके ऊपर आप कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर अप्लाई कर दें, कोई भी प्रेशर अप्लाई कर दें, वो तमाम के तमाम जो गैस लॉज हैं उनको क्या करेगी, उन तमाम गैस लॉज को ओबे करेगी। रियल गैस ऐसी नहीं होती, रियल गैस जो होती है वो डेविएट कर जाती है अपनी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड, कह रहा है इनमें से कौन सा पर्टिकुलर जो कंपाउंड है या फिर जो एलिमेंट है वो लिक्विड है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रेफाइट हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी जो है वो हमारे पास लिक्विड है, ये एक वाहिद दुनिया का लिक्विड मेटल है। बोरेक्स जो है वो हमारे पास सॉलिड है, सिमिलरली हमारे पास ब्रास भी क्या है, सॉलिड है। तो सिर्फ एक ही इसके अंदर लिक्विड एग्जिस्ट करता है जो कि है हमारे पास मर्करी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द फोर क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन एटम इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारे पास इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। बहुत आसान सी बात है, अगर हम बात करते हैं एन की जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, तो वो हमारे पास इसी तरह शुरू होता है 1 2 3 करके। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास कैसी स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो है सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स हैं, इसकी वैल्यू 1 से नहीं शुरू होती। सब्सिडरी क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3, ये हमारे पास इस तरह से स्टार्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी रेंज बिल्कुल इसी तरह -1 -L0 और +L, और स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह +1/2 -1/2 करके स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट्स हैं ये वाली स्टेटमेंट्स भी हमारे पास करेक्ट है, जबकि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये हमारे पास कैसी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी, हमें करेक्ट ऑप्शन को हाईलाइट करना था, बी इज द राइट ऑप्शन। एवेपोरेशन ऑफ वाटर इज डैश चेंज, जब भी हम बात करते हैं एवेपोरेशन ऑफ वाटर पे तो एवेपोरेशन ऑफ वाटर हमारे पास कैसे होता है, बहुत आसान है। हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है सनलाइट आती है, जब जैसे ही सनलाइट आती है ये हीट हमारे पास क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये हमारे पास एब्जॉर्ब होना शुरू होती है तो हमारे पास जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास स्केप कर जाते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड। इसका मतलब ये जो एवेपोरेशन ऑफ वाटर का चेंज है ये बुनियादी तौर पर हमारे पास कैसा चेंज है, दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक चेंज। साथ ही साथ ये स्पॉन्टेनियस भी है, खुदकार है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, बाय नेचर के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 एट STPR। ये कह रहा है कि आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल के दिखाएं। तो स्टूडेंट जरा गौर से देखें हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर के। अब बहुत आसान सी बात है, मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर, और एवोगैड्रोज नंबर की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा 11.2 और मोलर वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब क्या होगा, अब ये 11.1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो ज़रा गौर से देखें, 6.02 एक्सपोनेंट 23 इसी तरह आ गया, इसको हम डिवाइड किससे करवा देंगे, 2 से। तो जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास अटेन हो जाएगी और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 को जैसे ही हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने हमने इसको 2 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स अब एक बात और देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास दिया हुआ है कंपाउंड, इसमें टोटल 3 एटम्स है, तो इसका मतलब ये पूरी पर्टिकुलर वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारे पास ए। लेट्स मूव ऑन।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आइसोमॉर्फस स्ट्रक्चर विद एमजीओ। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है? आइसोमॉर्फस का मतलब ये है कि बहुत सारे डिफरेंट आपके पास कंपाउंड्स हो, और वो जो डिफरेंट कंपाउंड्स हो उन कंपाउंड्स को आप क्या करें, उन कंपाउंड्स के सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हो। तो जैसे ही इनके सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे, दे आर नोन एज आइसोमॉर्फस। बहुत आसान है, आप रेशियोज निकाल लें। अब ये एम जी ओ है, इसका रेशो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। इसी तरह आप एन ए एफ है, इसका रेशो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। सी ए सी एल टू का रेशो निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा। बैरियम ऑक्साइड का निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा। और जब आप के टू ओ को निकालेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दिस वन, एन ए एफ और एम जी ओ का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब दे आर द आइसोमॉर्फस, यानी है द डिफरेंट कंपाउंड बट बोथ कंटेन द बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चर। वो सेम स्ट्रक्चर का मतलब है क्यूबिक स्ट्रक्चर है दोनों का, कोई भी हो सकता है, मैं तो आपको जनरल बात बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे। ईथर शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद, ईथर की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसके साथ अटैचमेंट होती है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास है CH3O CH3, दिस इज नोन एज द डाई मिथाइल ईथर। इसमें हमारे पास C2H5OH, ये ऐसे भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लोज करें तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दिस इज नोन एज फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। ये आपके पास डाइमिथाइल ईथर है और इसका नाम आपके पास इथेनॉल है। इसको सिंपल आप एल्कोहल भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ईथर और एल्कोहल के जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम्स हैं वो मैचअप होते हैं। मतलब ये कि एल्कोहल्स और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। सिमिलरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, एल्कोहल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट? इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है? आए जरा डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे PCl3 से। फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन जैसा ही ग्रुप है। इसके पास वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन। नेक्स्ट इज बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, यहाँ पे आ गया फ्लोरीन। NH3 है, नाइट्रोजन है, वही फॉस्फोरस वाला ग्रुप है, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीजन, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा होता क्या है। जैसे आप इसे इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे, यहाँ से टेंडेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ से भी, एंड देन यहाँ से भी आपके पास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसमें भी नॉट इक्वल टू जीरो है और इसमें भी नॉट इक्वल टू जीरो है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट सिर्फ इसमें मौजूद होगी, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से गुजारेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास BBF3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एम जी एफ एग्जिबिट डैश बॉन्डिंग। एम जी एफ यानी कि मैग्नीशियम फ्लोराइड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? याद रखिएगा मैग्नीशियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, फ्लोरीन ग्रुप 7A का एलिमेंट है। ये एक आपके पास मेटल है और दूसरा आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। ये तो उसूल समझ लें, जब भी आपके पास मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे तो आपके पास जो बॉन्डिंग बनेगी, डैश बॉन्डिंग इज नोन एज द आयोनिक बॉन्डिंग। मेटल ग्रुप 1A का भी हो सकता है, मेटल आपके पास ग्रुप 2A का भी हो सकता है, और नॉन मेटल आपके पास ग्रुप 6A का भी हो सकता है, और नॉन मेटल ग्रुप 7A का भी हो सकता है आपके पास। तो मेटल और नॉन मेटल अगर कंबाइन होंगे तो आपके पास जो बनने वाली बॉन्डिंग है, दैट इज नोन एज एन आयोनिक बॉन्डिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल्काइल हेलाइड्स। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे पास इनकरेक्ट कंसीडर की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द अल्काइल हेलाइड? तो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल्काइल हेलाइड क्वेश्चन इज दैट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट बतानी जो इनकरेक्ट है। सबसे पहली तो बात, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलो अल्केन्स आर ग्रेटर देन अल्केन्स, ये बात ठीक है। इसकी वजह ये कि हेलोजन जब आके अटैच होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर एफ आके अटैच हो गया कंपेयर टू द अल्केन, जाहिर है अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका खुद ब खुद जो बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर है वो इनहेंस्ड हो गया। सेकेंडली, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आर आई का है, फिर आर बी आर का है, फिर आर सी एल का, आर एफ का, ये बात भी उसी से रिलेट है कि सबसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट आर एफ का होगा। अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल इन वाटर, ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसी बात नहीं है। अल्काइल हैलाइड जो है वो आपके पास जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स नहीं होते। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ PCl5 और SOCl2 विद अल्कोहल्स बट नॉट एरिल हैलाइड, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, PCl5 और SOCl2 के साथ प्रिपेयर हो सकते हैं बट नॉट एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स के साथ प्रिपेयर नहीं हो सकते।
सिर्फ एक ही पूरे में स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि वाटर सॉल्युबल, इसने बता दिया है अल्काइल हैलाइड्स को, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज अ कॉमन व्हेन कार्बोक्सैलिक एसिड रिएक्ट विद बेस और विद अल्कोहल। ये कहता है कि कार्बोक्सैलिक एसिड को जब आप लोग बेस या अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे कॉमन रिएक्शन कौन सा होता है? याद रखिएगा, ये आपके पास कार्बोक्सैलिक एसिड है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? अल्कोहल्स के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास एस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, RCOOR, और आपके पास जो वाटर है वो आपके पास क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को पढ़ते हैं एस्ट्रिफिकेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इफ वी मूव डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इफ वी मूव डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो स्टूडेंट जब जैसे हम लोग ECS में डाउन जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग ECS में डाउन जाते हैं हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होना शुरू हो जाती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वक्त के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगी? बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जो सबसे बॉटम पे होगा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो सबसे टॉप पे होगा सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। आगे बढ़ते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन यूजली हैज एन ऑर्डर। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, हमारे पास HCl बन रहा है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन हो रहा है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास जीरो ऑर्डर होता है। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑफ 1A ड्यू टू। एटॉमिक साइज जो है ग्रुप 1A का वो इंक्रीज होता है, इसका रीजन क्या है? तो अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ने की बुनियादी रीजंस हमारे पास क्या हैं? सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपके पास एटॉमिक साइजेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इनहेंस्ड हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से ही आपके पास साइजेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से डेफिनेटली आपके पास जो है वो क्या इनहेंस्ड हो रहा है? साइज ऑफ एटम इनहेंस्ड हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से डेफिनेटली साइज बढ़ता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दूंगा लेकिन साइज नहीं रुक जाएगा। सर ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डाउन द ग्रुप छोड़ के 1 मिनट पीरियड वाली कंडीशन को अटेन करें तो उसमें क्या होता है? उसमें तो आपके पास जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है लेकिन साइज श्रिंक होता रहता है, श्रिंक होता रहता है अराउंड द पीरियड। तो इसका मतलब है कि लाजमी नहीं है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ने का ताल्लुक है। और इलेक्ट्रॉन रिपल्जन जो होती है ऑर्बिट में उससे तो लिंक ही नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ है? इनर इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होते हैं इनर शेल्स के अंदर, उनका रिपल्जन्स है। जब उनकी रिपल्जन्स बढ़ती रहती हैं तो इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, लाजमी बढ़ेगा, हर कंडीशन में बढ़ेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता, डाउन द ग्रुप ही बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज द पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड किस में मौजूद होते हैं? सिंगल बॉन्ड वालों में पाई नहीं होते, तो अल्केन में पाई नहीं है, अल्काइन में और अल्कीन्स में पाई है। तो इसका मतलब है 2 एंड 3, 2 एंड 3 ओनली, डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इन मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन द प्रोपोगेशन इज, ये कहता है कि हमारे पास जो मैकेनिज्म है हेलोजिनेशन का उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं या उसका हमारे पास क्या तरीकेकार है? देखिए पहले तो आप ये समझिए मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीथेन, हमने इसका रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ, हमारे पास CH3Cl और HCl तैयार हो गया। ये एक बेसिक रिएक्शन है, ये हमारे पास हेलोजिनेशन है। अब इसमें क्योंकि हमारे पास हेलोजिन आके क्या हो रहा है? सब्सटीट्यूट हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, आयन स्टेप्स के ऊपर हम आपसे बात करते हैं। तो अब इस मैकेनिज्म के अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहली तो बात है इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो तो सिंपल ये कि आपने फ्री रेडिकल को बनाना है। फ्री रेडिकल कैसे बनता है? ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो क्लोरीन जो है उसको सनलाइट जैसे ही मिलती है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। फिर ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है ये जाके किस पे अटैक करता है? मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर। ये है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें होता क्या है, ये मीथेन है इसके ऊपर आता है यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये जाके जैसे ही अटैक करता है ये आपके पास CH3Cl अलग हो जाता है और आपके पास जो है HCl क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक रेडिकल जो है वो इंटरेक्ट कर जाता है दूसरे मॉलिक्यूल को, उससे एक नई स्पीशी तैयार हो जाती है, एंड देन फिर ये उसी तरीके से हमारे पास आगे मूव करता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, क्लोरीन जाके एच को रिप्लेस करेगा, यहाँ से क्लोरीन खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल, एंड देन फिर ये रिएक्ट करेगा और पूरी स्टोरी चलेगी।
हमने इसको बिल्कुल आसान सा करना है स्टूडेंट, समझना ये है कि जब एक रेडिकल स्पीशी इंटरेक्ट करेगी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ तो वो अनदर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीशी है उसको तैयार कर लेगी। तो ये है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अल्टीमेटली फिर एंड में दोनों मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाते हैं और पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। अगर हो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल को अगर आप देखें तो इस विनाइल अल्कोहल के अंदर प्रोटॉन को मैं शिफ्ट करता हूँ आपके सामने, और से देखें ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रही है, लेकिन असल में जो है वो हमारे पास प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है। तो जैसे ही हमारे पास ये प्रोटॉन शिफ्ट होता है तो ये हमारे पास आ जाता है CH3, इसके बाद ये आ जाता है कार्बोनाइल कार्बन, यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास कहलाती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की एक टाइप है, इसमें सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। एसिटिक एनहाइड्राइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसिटिक एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड कब बनता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब हम एसिटिक एसिड की डिहाइड्रेशन करवाते हैं। क्या मतलब है इसका, जरा गौर से देखिएगा, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। अब इधर जरा गौर से देखें, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये भी हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसका रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे एच यहाँ पे ओ एच, वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा कार्बोनाइल कार्बन, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। ये जो पूरा प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या हो जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए। आगे बढ़ते हैं, अ कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एग्जिबिट। जब भी हमारे पास कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन होती है अल्कीन्स की तो बुनियादी तौर पर कौन से रिएक्शन होते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर एडिशन रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास इथीन है, मैंने क्या किया, मैंने इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और इसके अंदर हीट भी किया हमने इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास CH3 × CH3 आ जाएगा। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा एडिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नाउ मूव टूवर्ड्स टू मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय E2 मैकेनिज्म, को कौन सी चीज़ फेवर करती है, याद रखिएगा, एक हमारे पास E1 मैकेनिज्म है और एक हमारे पास E2 मैकेनिज्म है। वेन वी टॉक अबाउट इवन मैकेनिज्म, तो स्टूडेंट इवन मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स के ऊपर काम करता है, वेयर एज E2 मैकेनिज्म जो होता है वो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के ऊपर काम करता है। यूजली E2 मैकेनिज्म जो होता है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर काम करता है, और जो E1 होता है दैट्स वर्क फॉर द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। तो E2 मैकेनिज्म की बात हो रही है तो इसका मतलब है ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात हो रही है, तो बी इज अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें कौन सी बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए बिल्कुल ट्रू है। द वैल्यू पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इसमें से एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाएगी। अब जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी या इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा, तो ये जो एनर्जी होती है, जो पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट अकॉर्डिंग टू दी गिवन एलिमेंट वो एनर्जी को सेट करता है। तो कहते हैं द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात ठीक नहीं है। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, ये वाली बात भी ठीक नहीं है, ऑलवेज नेगेटिव नहीं होते। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वॉज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी गलत है। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी, डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हेन सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म, सोडियम कौन सा ऑक्साइड्स बनाता है, पर ऑक्साइड्स बनाते हैं, बहुत मशहूर है Na2O2, ये हमारे पास कहलाता है सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक हो गया, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आयनिक रेडियस इंक्लूडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनिक रेडियस की अगर हम लोग बात करें पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट हमारे पास साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बढ़ती रहती है, जबकि हमारे पास जो है वो शेल्स नहीं बढ़ते, शेल्स अपनी जगह कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है आयनिक रेडियस की, ये हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ए इज द राइट ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट अबेंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरियोइड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो मशहूर तरीन स्टीरियोइड है जो कि सबसे ज्यादा काम आता है, दैट इज नोन एज द कोलेस्ट्रॉल. क्योंकि ये जो है ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरियोइड है. फॉलिक एसिड इज अ वाइटामिन और इंस्टॉल इज नथिंग इन द टाइप ऑफ लिविन इज अ वाइटामिन, तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल इज अ राइट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. एसिटाइलिन ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट गिव, अगर हमारे पास एसिटाइलिन है, दिस इज द एसिटाइलिन एंड द नेम ऑफ इथाइन इज एसिटाइलिन. अमोनियम के साथ रिएक्ट करें अमोनियम नाइट्रेट के साथ, यानी कि NH4 अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट कह लें, या आप इसको इस तरह समझ लें कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया कर लें इसको, तो ये आपके पास आ गया सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया. हमने इसका रिएक्शन करवा दिया. होता क्या है, ये सिल्वर जाके इधर डिस्प्लेस हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है सिल्वर, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दिस वन, एंड ये आ जाता है सिल्वर, और हमारे पास जो है वो नाइट्रिक एसिड अलग हो जाता है. ये जो पर्टिकुलर चीज़ है हमारे पास, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारे पास सिल्वर एसिटाइलाइड. तो हमारे पास सिल्वर एसिटाइलाइड क्या हो जाता है बेटा, हमारे पास फॉर्म हो जाता है. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी. एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज, एलोमेटिक कंपाउंड जो है वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं. व्हाट इज मीन बाय द टर्म सूटी फ्लेम, एक होते हैं नॉन सूटी फ्लेम जिसमें हमारे पास स्मोक रिलीज नहीं होता, और एक होते हैं सूटी फ्लेम जिसमें हमारे पास स्मोक रिलीज होती है. स्मोक रिलीज होने का ताल्लुक हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन के साथ है. जितना ज्यादा कार्बन की परसेंटेज होगी उतना ज्यादा हमारे पास सूटी फ्लेम्स क्या होंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी. अ कैटलिस्ट ऑल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या चीज को ऑल्टर करता है. कैटलिस्ट बुनियादी तौर पे ऑल्टर करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, क्योंकि बात यह है कि जब भी हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास उसको ऑल्टर कर देता है. कैसे ऑल्टर कर देता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है. इट्स अ वेरी इजी थिंग, लेकिन बात यह है कि हमें इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. कैसे अंडरस्टैंड करना है, देखिए होता कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर. अब होता क्या है, इसके दरमियान में गौर से देखिएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होता है, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं एवरेज इंटरनल एनर्जी से लेके थ्रेशोल्ड एनर्जी के दरमियान का जो गैप है, दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. जैसे आप कैटलिस्ट को ऐड करते हैं वो इस पाथ को ऑल्टर कर देता है, या तो डिक्रीमेंट करेगा या इंक्रीमेंट कर देगा. डिक्रीमेंट करेगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो जाएगा, इंक्रीज करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को तो नेगेटिव कैटलिस्ट या फिर एज अ इनहिबिटर ट्रीट होगा. तो इसका मतलब जो भी हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, ऑल्टर करता है, उसको चेंज करता है. मूव ऑन. द लाइटेस्ट पॉजिटिव रेज ऑब्टेन इज फ्रॉम, सबसे लाइटेस्ट जो पॉजिटिव रेज है, ये अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर, दो दफा रिपीट हो चुका है, वो है हाइड्रोजन गैस. क्यों, क्योंकि स्टूडेंट बात ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिलीज करवा रहे होते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब, तो हमारे पास ये नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ रेज जा रही होती हैं, और इस डायरेक्शन में हमारे पास लाइटेस्ट रेज ऑब्टेन होती हैं. जो सबसे लाइटेस्ट रे हमारे पास ऑब्टेन हो रही है वो हो रही है हाइड्रोजन गैस की मदद से. इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू जो है वो हमारे पास ये ऑब्टेन हो सके. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. बॉन्डिंग कॉमन बिटवीन NaOH एंड NH4OH, कह रहे हैं आप इन दोनों के दरमियान जो भी कॉमन बॉन्डिंग्स हैं उन दोनों को बता दें. बहुत आसान है, NaOH की अगर आप बात करते हैं और NH4OH की अगर आप बात करते हैं तो ये बात बहुत इजी है, और वो ये कि इसमें सोडियम और OH के दरमियान आयनिक बॉन्ड है, जैसे अमोनियम और हाइड्रोक्साइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर कोवेलेंट है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है. एडिशनली NH4OH में डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो कि NaOH में नहीं होती. तो बुनियादी तौर पे आयोनिक और कोवेलेंट ये दोनों बॉन्डिंग मौजूद होती हैं NaOH और NH4OH. तो इसका मतलब डी, यानी कि बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन. एल्कोहल्स आर मिसेसिबल इन वाटर बिकॉज ऑफ, एल्कोहल्स वाटर के अंदर मिसेसिबल एंड मिक्स होने की सलाहियत रखते हैं. इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबल हो सकता है, या तो कोई पोलैरिटी हो, क्योंकि बात यह है कि H2O का जो मॉलिक्यूल है ये दो तरह से चीज़ों को बड़े आराम से डिजोल्व करवा सकता है, या तो पोलैरिटी हो, पोलर मॉलिक्यूल हो, या ऑन दी अदर हैंड आपके पास क्या मौजूद हो, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो.
तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो है अल्कोहल एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर मौजूद है अल्कोहल्स और वाटर में, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर की वजह से ही चीजें क्या हो सकती हैं, डिजोल्व हो सकती हैं, सॉल्युबल हो सकती हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बिकॉज उसूल ये है लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसों में घुल मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अल्काइन्स हैविंग C4 to H12 चेंज आर इन डैश इन नेचर। बहुत आसान है, C1 से लेके C4 तक जो है ज्यादातर गैसेस है। बियॉन्ड C4 से लेके C12 तक जाएंगे तो वो सारे के सारे लिक्विड्स हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, एंड अबव द 12 दे आर नोन एज अ सॉलिड और वैक्स लाइक सॉलिड्स। तो ये जो बात हो रही है लिक्विड्स के ऊपर बात हो रही है, ए इज अ राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स। इनमें से कौन सी बात जो है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए फॉल्स स्टेटमेंट कंसिडर की जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल के एतबार से रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसी स्पीशीज हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की तलाश है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इट रिएजेंट अटैक अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, ये चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होना। दे कैन बी कॉल्ड एज लुईस एसिड, बिल्कुल ठीक बात है, लुईस एसिड ये ऐसी चीजें होती हैं। इट डजंट हैव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। दे आर नेगेटिवली चार्ज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे आर इन एक्चुअल प्रैक्टिस पॉजिटिवली चार्ज, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है। डेटा अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये बात तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जब अट्रैक्ट होंगे, लेकिन नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से यही है, डी इज अ राइट ऑप्शन। बफर सोल्यूशन डज दिस चेंज इन देयर, बफर सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, बुनियादी तौर पर बफर सोल्यूशन जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन देयर पीएच को। बफर्स ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो कि वीक एसिड्स या वीक बेसिस से बनते हैं, और इनका बुनियादी काम क्या होता है कि पीएच को जो है वो क्या रखें, मेंटेन रखें, या आप इसको ये कह लें कि पीएच को जो है वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक रिएक्शन दिया हुआ है, द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम। ये कहता है कि हमारे पास H2 है प्लस CO2 है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब कहता है अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 को डिक्रीज कर दें, यानी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ जाएगी। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम जो है ये वाली साइड जो हमारे पास, ये राइट साइड है, दिस इज लेफ्ट साइड, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ए इज अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोपाइन एग्जिबिट हाइब्रिडाइजेशन, प्रोपाइन के अंदर हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग प्रोपाइन का स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि प्रोपाइन जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रखता है कि एक तरफ हमारे पास CH3 आ गया और एक तरफ हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है दे आर sp3 hybridized, और ये वाला जो कार्बन है दैट इज नोन एज sp3 hybridized। तो इसका मतलब sp3 और sp hybridization मौजूद है प्रोपाइन के स्ट्रक्चर में, डी इज अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम डैश इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस इन वन ऑर्बिटल, ये भी आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है वह नम्स में। ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफ बॉन्ड पॉलीज प्रिंसिपल दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एकोमोडेट नहीं हो सकते किसी एक ऑर्बिटल के अंदर। तो मैक्सिमम लिमिट हमारे पास कितनी है, दो इलेक्ट्रॉन्स की है। तो सर जो पी ऑर्बिटल होते हैं उसमें 6 कैसे होते हैं, बहुत आसान है, वो ब्रेक हुआ हुआ है PX में, PY में और PZ में। अब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस तरह से पूरे हुए हैं, अदरवाइज हमारे पास जो है वो पूरे नहीं है। तो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेस्ड हो गए एक ऑर्बिटल के अंदर, बी इज अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन रेडिली, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन रेडिली नहीं जाएंगे, यानी क्या फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं कर सकते, बहुत आसान है। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास कौन सी जो पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि टॉलिन है, ये हमारे पास आ गया CH3, ये हमारे पास है ज़ाइलिन, ज़ाइलिन भी क्या है, ज़ाइलिन भी बुनियादी तौर पे CH3 का ही डेरिवेटिव है, उसमें हमारे पास एक CH3 यहाँ लग सकता है। इसी तरीके से क्यूमीन, क्यूमीन क्या है, क्यूमीन हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो इसका मतलब ये हमारे पास डिफरेंट आपके पास कंपाउंड्स हैं। अब प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, जो नाइट्रो बेंजीन है वो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन को जो है वो फॉलो अप नहीं करेगी। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी, नाइट्रोबेंजीन।
बाकी सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास इसको क्या करेंगे, बाकी सब के सब जो हैं वो हमारे पास इसको फॉलो अप करेंगे। इस चीज को फॉलो अप करेंगे, बाकी सारे के सारे हमारे पास रिडक्रॉफ्ट रिएक्शंस को रेडिली फॉलो कर देंगे, एक्सेप्ट नाइट्रोबेंजीन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करें जो कि इनकरेक्ट है। दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये वाली बात तो करेक्ट है। देयर सोल्यूशंस आर नॉन कंडक्टर, ये वाली बात भी करेक्ट है। दे शो आइसोमेरिज्म, ये वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है। दे आर नॉन फ्लेमेबल, ये रॉन्ग बात है। नॉन फ्लेमेबल नहीं होते, ये फ्लेमेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बर्न होते हैं, सूटी फ्लेम के साथ हो या नॉन सूटी फ्लेम के साथ हो। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो कैसी कंसिडर की जाएगी? इट इज कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट। डी इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बेंजीन एक्सेप्ट। सारी बातें इसके अंदर ठीक है सिवाय एक के। बेंजीन कह रहा है इन ईच ईच कार्बन एटम एज sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बोलता है कि इट इज अ साइक्लिक हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर, ये वाली भी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि बेंजीन के जो है वो हेक्सागोनल है, छह रिंग्स हैं, छह कॉर्नर्स हैं और दरमियान में रिंग है। इट हैज अ डिफ्यूज और डीकोलोनाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये वाली बात भी ठीक है कि इसके अंदर डीकोलोनाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी इसके अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास क्या हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं। इट हैज 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बात गलत है, इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं जब हम काउंट करते हैं। तो इसका मतलब जो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारे पास डी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हाई वाटर इज एडेड आफ्टर द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद LiAL(H)4। सवाल बड़ा आसान सा है, वो ये कि भाई जब हम वाटर को क्यों ऐड कर रहे हैं जब हम रिडक्शन प्रोसेस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का LiH4 के साथ। देखिए बात बहुत आसान है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं किसके साथ, LiAL(H)4 के साथ, LiAL(H)4 के साथ। अब बात बहुत आसान सी है, वो ये कि क्योंकि वाटर जो है वो वॉयलेंटली रिएक्ट कर रहा होता है, इसीलिए हम क्या वाटर जो है वो आपके पास वॉयलेंटली रिएक्ट कर जाता है LiH4 के साथ। तो इसको हम फिर करने के लिए, यानी आप समझ लें इसको रिड्यूस करने के लिए ओवरऑल चीज को, हम वाटर को क्या कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। ड्यू टू एक्सप्लोजिव नेचर ऑफ सोडियम मेटल, इट्स स्टोर इन सोडियम की एक्सप्लोजिव नेचर है, ग्रुप 1A का मेटल है, बहुत रिएक्टिव है। तो इसको जो है हम लोग एल्कोहल या हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं रखते, फॉरन रिएक्ट कर जाता है। कैरोसिन ऑयल के अंदर ये रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर। डी इज अ राइट ऑप्शन। फर्दर रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है कि ए जो है रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया बी, और इसमें जो केसी की वैल्यू है एक्सपोनेंट 55, एक्सपोनेंट 55 का मतलब है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, ए जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया है बी के अंदर। अब ये कह रहा है कि इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि बैकवर्ड रिएक्शन तो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो आपके पास ए है वो लेस स्टेबल है कंपेयर टू द बी, बी की स्टेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रहा, बस फॉरवर्ड ही जाएगा। तो ए इज लेस स्टेबल देन बी, बी इज द राइट ऑप्शन। कैटलिस्ट यूज इन एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है स्टूडेंट, एस्ट्रिफिकेशन के सवाल आते हैं इसको याद रखिएगा। कार्बोक्सैलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हो गया, और जैसे ही रिएक्शन होगा आपके पास एस्टर तैयार हो जाएगा और वाटर आपके पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हो जाएगा H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा, एच और OH वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड होते हैं, तो इस केस में जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया हुआ है वो हमारे पास बी है, H2SO4। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज, बेंजीन में जो टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं उनकी तादाद कितनी है, सिग्मा 12 है, पाई है 3। तो इसका मतलब हमारे पास 4:1 का रेशियो है सिग्मा टू पाई रेशियो, तो 4:1 का रेशियो आ गया इन बेंजीन सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का। आगे बढ़ते हैं। इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ केमिकल स्पीशीज लूज इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीजेस देयर। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एलिमेंट जो होते हैं वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ते हैं, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिर जाते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। बट इज नॉट ट्रू फॉर इफ्यूजन ऑफ गैसेस, इनमें कौन सी बात इफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए ट्रू नहीं है? याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू स्मॉल ओपनिंग। इफ्यूजन का मतलब क्या है, इफ्यूज होना का मतलब बहुत आसान है, या आपके पास
दो कंपार्टमेंट, एक में कंपार्टमेंट ए है, एक में कंपार्टमेंट बी है, इसमें गैस मौजूद है, इसमें भी हमारे पास गैस मौजूद है, दरमियान में से स्मॉल होल है, स्मॉल होल के थ्रू ये हमारे पास पास ऑन हो जाता है। तो स्मॉल ओपनिंग के थ्रू जो आपके पास ट्रांसफर होते हैं ए और बी, वो आपके पास इफ्यूजन है, बिल्कुल ठीक बात है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये वाली बात भी ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू स्केपिंग टेंडेंसी वन बाय वन, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है ए बी सी वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट तो ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू इफ्यूजन। सिर्फ एक स्टेटमेंट नीचे वाली गलत लिखी हुई है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू कॉलिजन अमंग देमसेल्फ, कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसकी वजह से जो है वो आपके पास इफ्यूजन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका इसका कोई रीजन नहीं बनता, क्योंकि बात यह है कि इस तरह से हमारे पास पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उसे हम लोग डिफाइन नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्टेंस, मिसाल के तौर पे कार्बन एटम, और उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो एक से ज्यादा फॉर्म में होगी। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास आ गया डायमंड, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है ग्रेफाइट। तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो है एलिमेंट की एग्जिस्टेंस नहीं होती एक से ज्यादा फॉर्म में। इस चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस वाली चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं एलोट्रॉप, एलोट्रॉपी, बी इज द राइट ऑप्शन। द शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन है, कार्बन के साथ हमारे पास चार हाइड्रोजन है। ये जो चार हाइड्रोजन हैं ये आपके पास कैसे हैं, दे आर एक्चुअली जो आपके पास ज्वाइन हुए हैं, ये आपके पास जो है टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़ते हैं, इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। तो ओवरऑल जो शेप है CH4 मॉलिक्यूल की वो हमारे पास कैसी है, टेट्राहेड्रल है। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इथेनॉल C2H5OH, और हम क्या करें, हम इसके अंदर H2SO4 को ऐड कर दें, और जैसे ही हम H2SO4 को ऐड करें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास इसमें से वाटर निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ईथीन में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू गैशियस स्टेट इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, गैशियस फेस के अंदर, तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज अ सब्लिमेशन, सी इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें बायपास हो जाता है लिक्विड फेज। लिगेंड्स आर कॉल्ड डोनर एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीगेंड। लीगेंड्स जो होते हैं वो बुनियादी तौर पे आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये लुइस बेसिस होते हैं जो लोन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। लुइस एसिड तो नहीं होते ना, लुइस एसिड लुइस बेस विद एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करते, डोनर्स होते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन है ए। फॉर एग्जाम्पल क्लोरो है, ब्रोमीन ब्रोमो है जिसे हम पढ़ते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, डोनर्स होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 2A एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम 2B एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ देयर पेनल्टीमेट शेल की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी वजह से आपके पास जो कॉन्फिग्रेशन है उसमें वेरिएशन है, यानी ग्रुप 2A और ग्रुप 2B में जो एक्चुअल चीज़ है, जो प्रॉब्लम है, जो एक फर्क है जैसे कि कॉन्फिग्रेशन का, वो पेनल्टीमेट ऑर्बिट यानी सेकेंड लास्ट जो ऑर्बिट है, जिसकी वजह से होता क्या है 4s और 3d के अंदर ट्रांजिशन हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। विच रिएजेंट रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एस्टर्स, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास जो है वो ईस्टर फॉर्म हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl के साथ वो रिएक्ट कर जाए और हमारे पास ईस्टर बना ले, तो सबसे लास्ट वाला CH3COONa सोडियम एसीटेट, जब ये रिएक्ट करेगा तो NaCl आपके पास तैयार हो जाएगा, CH3COO यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये कहलाएगा इथाइल एसीटेट, और मिथाइल एसीटेट भी पढ़ सक मिथाइल एसीटेट बनेगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एस्टर है, और NaCl हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमें क्या निकालने हैं, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 50 ग्राम्स है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैलकुलेट कैसे करनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत आसान है। देखिए नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमें निकालने हैं ऑक्सीजन के एटम और हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 3 है। नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर आ जाएंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर के। मेरा बेटा बहुत आसान सी चीज़ है, आपको मास अपॉन मोलर मास और एवोगैड्रोज को फाइंड आउट करना है, लेकिन फाइनल आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि आपको ऑक्सीजन एटम्स निकालने। मास की वैल्यू इज वेरी इजी, 50 ग्राम मास आ गया, मोलर मास इज 100 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 इंटू 3।
सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये 2 1 2 और ये आ जाएगा 3.01। जब 3.01 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, इट्स आ जाएगा 9.033 एक्सपोनेंट 23 एटम्स आ जाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ केमिकल नेम ऑफ वाइटामिन सी। ये वाइटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम आता है ह्यूमन बींग के अंदर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अ मिक्सचर ऑफ इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल आयोडाइड इज हीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। इसका मतलब ये है कि एक इथाइल आयोडाइड है और एक आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है और वुड्स रिएक्शन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनेंगे। आइए इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहली तो बात है, सिर्फ अगर इथाइल आयोडाइड है और अगर हम दो इथाइल आयोडाइड्स का रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि बात ये सवाल के अंदर बहुत क्लैरिटी नहीं है, इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल आयोडाइड्स लिखा हुआ है, तो अगर दोनों का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो ये ईथर एंड हाइड्रस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, दोनों आर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और हमारे पास जो है वो 2NaI क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये आपके पास फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, अगर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हो, व्हाट इज मीन बाय द आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड की अगर हम लोग बात कर लें तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड होगा, और अगर हम इसका रिएक्शन एक और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड के साथ करवा दें तो ये आप देख सकते हैं ये दो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड आ गए हमारे पास। हमने इनका रिएक्शन करवा दिया दो सोडियम मेटल के साथ और ये रिएक्शन आ गया ईथर की प्रेजेंस में। ईथर कौन सा इस्तेमाल होता है, ईथर हमारे पास ड्राई ईथर इस्तेमाल होता है, तो ये आए और सोडियम मेटल मिलके 2NaI बन जाएगा, जबकि हमारे पास CH3 × CH इंटू CH3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा CH3, और 2NaI हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसे हम क्लोज करना चाहें तो डेफिनेटली क्लोज हो सकता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे ये हुआ है, ये क्लोज स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, इसके अंदर फॉर्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास सिंपल सिर्फ एक ये आ गया और एक हमारे पास इथाइल आयोडाइड आ गया, तब भी हमारे पास जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो बन सकते हैं। इसका मतलब है सारे के सारे ऑल अबव ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि भाई हमारे पास जो है HC111 या CH है, इसका रिएक्शन होगा HBr के साथ, और यहाँ पे हमारे पास आ गया CCl4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक Br आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हमारे पास CH2 आ गया। अब अगर हम इसका फर्दर रिएक्शन करवा दें HBr के साथ, तो यहाँ पे मार्कोविन कोफ रूल अप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हमारे पास Br जो है वो इस जगह पर आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास जैमिनल जो स्ट्रक्चर है, यानी कि 1,2-डाइब्रोमोइथेन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो 1,2-डाइब्रोमोइथेन और हमारे पास 1-ब्रोमोइथीन फॉर्म होगा, तो 1,1-डाइब्रोमो 1,1-डाइब्रोमोइथेन और 1-ब्रोमोइथीन हमारे पास क्या हो गया, फॉर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि जो रिलेशनशिप है वो क्वांटम ऑफ रेडिएशन का है। तो याद रखिएगा ये फ्रीक्वेंसीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक इक्वेशन सॉल्व होता है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। याद रखिएगा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, फ्रीक्वेंसी। Which of the following is malleable and ductile? What is mean by the term malleable and what is mean by the term ductile? Malleable का मतलब होता है drawn into sheets, कि मेरे बेटा किसके अंदर जो है वो हमारे पास शीट्स ड्रॉ होती है, कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज नोन एज मेलिएबल। एंड व्हाट इज मीन बाय द डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है हमारे पास ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर मेथड है, एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिनियम की शीट्स भी होती हैं, ये फॉइल्स भी होती हैं और वायर्स भी होती हैं। NaCl का ऐसा कुछ नहीं होता, ना मरकरी का होता है ना कॉपर सल्फेट का होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। ये पास्ट पेपर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑफ द अल्कली मेटल, कौन सी चीज अल्कली मेटल में इंक्रीज होती है। अल्कली मेटल जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, बट द रिएक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि ग्रुप 1A की रिएक्टिविटी बहुत हाई है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट, ये वाली बात ठीक नहीं है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, सी इज द राइट ऑप्शन।